नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीएस एलडीएसई 2023 टीजीटी साइंस में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, आपने देखा होगा उसमें सेवन कलर होते हैं। अब ये सेवन कलर कब आते हैं? जब रेन ड्रॉप में से सन की जो रेज होती है वो पास होती है। सन की जो रे होती है वो व्हाइट कलर की अज्यूम की जाती है और आपको बाद में सेवन कलर दिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब एक व्हाइट कलर लाइट सेवन कलर में स्प्लिट हो रही है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। इसका मतलब कि रेनबो में डिस्पर्जन हो रहा होगा। दूसरा, इसमें क्या होता है, रेनबो में एक जब लाइट रे एंटर करती है तो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि लाइट रे इससे टकराएगी, वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं टीआईआर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। और देखो जब लाइट रे एयर से रेन ड्रॉप के अंदर जा रही है तो मीडियम चेंज हुआ है, और मीडियम जब चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, रिफ्रेक्शन, तो रिफ्रेक्शन भी हुआ होगा। अब आप सर कहेंगे कि रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिया हमने, तो देखो जब हम टीआर चूज कर रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आ गया है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी और डी। ए और सी मतलब ऑप्शन थ्री यहाँ पर सही रहेगा, ए सी डी। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टीआईआर।